नमस्ते, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हमने Xiaomi Mi 2 डिवाइस के ऊपर Android 14 का जो रॉम है इंस्टॉल किया है, प्योर AOSP रॉम का जो एक्सपीरियंस है देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले पर बात कर लेते हैं अबाउट फोन के बारे में। तो ये जो रॉम है तो Android 14 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। Android 14 का जो ईस्टर एग है ऐड किया गया है, कुछ इस तरह से Android 14 को लॉन्ग प्रेस करके जो ईस्टर एग है देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर सिक्योरिटी पैच अपडेट की अगर बात करें, फेब्रुअरी का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलता है 4.19 कर्नल के साथ एज रॉम है अवेलेबल है। Xiaomi Mi 2 डिवाइस के लिए एंड्रॉयड 14 जो है अवेलेबल हो गया है। एंड ऑलरेडी हमने Mi 2 डिवाइस के ऊपर एंड्रॉयड 14 को स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में वीडियो अपलोड किया है। Mi 2 का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। तो यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है प्योर एंड्रॉयड 14 का जो AOSP रॉम का जो एक्सपीरियंस है देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रॉम का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जो है आप एंड्रॉयड 14 को डाउनलोड कर सकते हो Xiaomi Mi A2 डिवाइस के ऊपर। तो ये सबसे पहले पर बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। तो ये जो रॉम है दोस्तों यहाँ पर GSI बिल्ड से आप कह सकते हो। तो यहाँ पर बैटरी बैकअप जो है आपको यहाँ पर बढ़िया देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह से हमने जो इस रॉम को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर ओवरऑल जो बैटरी बैकअप है बढ़िया है। लगभग 5 आवर से 6 आवर के आसपास जो स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है डिपेंड करेगा आप कौन कौन से एप्लीकेशन को यूज करते हो। ओवरऑल बैटरी बैकअप GSI बिल्ड के हिसाब से आप जो इसे डिसेंट कह सकते हो। नया बिल्ड है इसलिए जो है ये चीज ध्यान में रखना होगा। बैटरी पार्टनेस का जो ऑप्शन है एनेबल कर सकते हो सरस भर के साथ। एंड यहाँ पर बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पर जो ऐप ओपनिंग एनिमेशन है, ऐप क्लोजिंग एनिमेशन है, स्मूथ है। हमने यहाँ पर कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन उसे रन किया था, इससे आपको मालूम चल जाएगा परफॉर्मेंस किस तरह से है। यहाँ पर Geekbench 5.5.1 के साथ जो है सिंगल कोर के साथ 328 मल्टी कोर के साथ जो है 1360 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है। यहाँ पर एवरेज से ज्यादा स्कोर देखने को मिलेगा सिंगल कोर के साथ एंड मल्टी कोर से भी ज्यादा स्कोर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर Geekbench 5 के साथ जो है सिंगल कोर मल्टी कोर के साथ जो है एवरेज से ज्यादा स्कोर देखने को मिलेगा। Geekbench 6.2.0 के साथ जो है सिंगल कोर के साथ 357 मल्टी कोर के साथ जो है 1282 का स्कोर है। अगेन यहाँ पर एवरेज से ज्यादा स्कोर देखने को मिल गया है सिंगल कोर एंड मल्टी कोर के साथ। एंड यहाँ पर बाई डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स विदाउट रूट सेपरेट पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे फोन पे इस तरह की जो एप्लीकेशन है बाई डिफॉल्ट काम कर चुके इस रॉम के साथ। लगभग 5 मिनट के लिए सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट को हमने यहाँ पर रन किया था। तो यहाँ पर मैक्स गया है 142, एवरेज है 129, मिनिमम है 119। यहाँ पर 88% का जो है सीपीयू थ्रॉटल देखने को मिल गया है। मैक्स सीपीयू गया है 2.20 GHz तक। तो परफॉर्मेंस यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है बढ़िया देखने को मिलता है। डेफिनेटली एज बिल्ड है, GSI पोर्ट बिल्ड सब कह सकते हो, इसलिए जो है यहाँ पर कुछ कुछ टाइम जो है आपको यहाँ पर Android 13 से थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस देखने को मिल सकते हैं, बट Android 14 का जो पहला बिल्ड है उसके सबसे परफॉर्मेंस बढ़िया है। एंड यहाँ पर एनिमेशन भी देख सकते हो, यहाँ पर ऐप ओपनिंग एनिमेशन भी काफी स्मूथ है, प्लस रैम मैनेजमेंट भी बढ़िया देखने को मिलता है। तो ये जो बिल्ड है तो Android 14 के साथ पहला बिल्ड है, इसलिए आपको कुछ कुछ इश्यू देखने को मिल सकता है। एंड इस रॉम के साथ जो है बाई डिफॉल्ट प्ले स्टोर अवेलेबल है, आपको अलग से जी एप्स को फ्लैश नहीं करना होगा, अलग से जी एप्स को इंस्टॉल नहीं करना होगा। इस रॉम के साथ जो है बाई डिफॉल्ट प्ले स्टोर अवेलेबल है। एंड ये जो बिल्ड है आप बीटा बिल्ड कह सकते हो, टेस्ट बिल्ड कह सकते हो। इस रॉम के साथ जो है बाई डिफॉल्ट ऑरेंज फॉक्स रिकवरी अवेलेबल है, आपको अलग से और कोई रिकवरी को इंस्टॉल नहीं करना होगा। एंड आप सिंपली जो इंस्टॉलेशन वीडियो है Mi 2 का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। कैमरा टू एपीआई की अगर बात करें पर लेवल 3 का जो सपोर्ट है देखने को मिलता है, जीकैम यहां पर काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर ए वाला जो कैमरा एप्लीकेशन है बाई डिफॉल्ट देखने को मिलता है, यहाँ पर कैमरा वीडियो का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। रिसेंटली हमने Geekam 9.1 का जो लेटेस्ट बिल्ड है उसका रिव्यू वीडियो अपलोड किया है। गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो Geekam 9.1 का जो लेटेस्ट बिल्ड है। एनीवे प्योर AOSP बिल्ड है, इसलिए आपको यहाँ पर जो है कस्टमाइजेशन ऑप्शंस जो है देखने को नहीं मिलते हैं। बेसिकली यूजफुल ऑप्शंस को ऐड किया गया है। यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शंस है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है।
यहाँ पर नोटिफिकेशन के ऊपर जो एनहांस नोटिफिकेशन ब्लिंग लाइट का ऑप्शन है, नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकॉन का जो ऑप्शन से यहाँ पर काम कट जाएगा। प्लस यहाँ पर ये सभी ऑप्शन को ऐड किया गया है, चार्जिंग साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन, स्क्रीन लॉकिंग साउंड का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, वाइब्रेशन हैप्टिक का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, रिंग वाइब्रेशन, नोटिफिकेशन वाइब्रेशन, टच फीडबैक का ऑप्शन है एंड इस तरह से सभी ऑप्शन को ऐड किया गया है। साउंड एंड वाइब्रेशन के साथ जो है ये सभी ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर इस तरह से इसे भी ऑप्शंस को ऐड किया गया है। डिस्प्ले के साथ जो है यहाँ पर मैक्सिमम ब्राइटनेस, लो ब्राइटनेस के साथ कोई भी इशू नहीं है। ऑटो ब्राइटनेस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। लॉक स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट को ऐड करने का ऑप्शन है। यहाँ पर वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। जब भी आपके डिवाइस के ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा ऑटोमेटिकली डिस्प्ले जो है ऑन हो जाएगा। यहाँ पर डार्क मोड का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, नाइट लाइट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। इस तरह से सभी जो ऑप्शन से ऐड किया गया है एंड वॉलपेपर स्टाइल के साथ जो है क्लॉक स्टाइल का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर जो है डायनेमिक का जो ऑप्शन है, डिफरेंट डिफरेंट कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर शो नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है एंड यहाँ पर लॉक स्क्रीन के ऊपर इस तरह से सभी जो ऑप्शन से काम कट जाएगा। यहाँ पर वॉलपेपर कलर, अदर कलर का ऑप्शन है, डार्क मोड का जो ऑप्शन है पर काम कट जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स के साथ जो है पर एक्स्ट्रा डिम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर डिस्प्ले साइज का ऑप्शन है, टेक्स्ट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, कलर एंड मोशन का ऑप्शन है, यहाँ पर वाइब्रेशन हैप्टिक का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर साउंड एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है पर ऐड किया गया है। इस तरह से सभी जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर फेस अनलॉक का जो ऑप्शन से ऐड नहीं किया गया है, फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। सिंपली यहाँ पर टैप किया, ओपन हो गया, यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर जो है पर काम कर जाएगा, बहुत ही फास्ट डिवाइस जो है यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन से अवेलेबल है, यहाँ पर फेस अनलॉक एंड ऐप लॉक का जो ऑप्शन से अभी फिलहाल ऐड नहीं किया है। एंड यहाँ पर लोकेशन का जो ऑप्शन से यहाँ पर काम कर जाएगा, इस तरह से सभी जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर सिस्टम अपडेट का ऑप्शन है, यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का ऑप्शन है, सिस्टम लैंग्वेज ऐप लैंग्वेज का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, एंड्रॉइड 14 का जो फीचर से यहाँ पर अवेलेबल है। क्विकली ओपन कैमरा का जो ऑप्शन से काम कर चुका है, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद पावर बटन को डबल प्रेस करके आप जो है कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। जल्दी से कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करके फोटो क्लिक कर सकते हो, काफी यूजफुल ऑप्शन है। सिस्टम नेविगेशन के ऊपर 2-बटन नेविगेशन, 3-बटन नेविगेशन, गेस्चर्स नेविगेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, 100 मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद जो है सिंपली यहाँ पर जो नेविगेशन बार है इसमें स्वाइप डाउन करके आप जो है 100 मोड को एनेबल कर सकते हो। एंड यहाँ पर शो नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, 100 मोड का शॉर्टकट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्रेस एंड होल्ड पावर बटन टू एनेबल असिस्टेंट, पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप जो है पावर बटन को ओपन कर सकते हो। प्लस जो असिस्टेंट है गूगल असिस्टेंट को भी आप जो है एनेबल कर पाओगे। तो इस तरह से सभी जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर ये जो एंड्रॉयड 14 का जो बिल्ड, इसे आप जो है बीटा बिल्ड, टेस्ट बिल्ड कह सकते हो, जीएसआई पोर्ट बिल्ड भी कह सकते हो, कुछ कुछ इश्यू देखने को मिल सकता है। अगर आप एंड्रॉइड 14 को एक्सपीरियंस करना चाहते हो Xiaomi Mi 2 डिवाइस के ऊपर, तो इस रॉम को आप जरूर से ट्राई करके देखना। यहाँ पर वाईफाई काम कर रहा है, ब्लूटूथ काम कर रहा है, टॉर्च काम कर जाएगा, एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन है, डार्क मोड का ऑप्शन है, हॉटस्पॉट काम कर जाएगा, नाइट लाइट 100 मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। कुछ इस तरह से जो है पावर मेन्यू देखने को मिलेगा। एंड वॉल्यूम पैनल की अगर बात करें, कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल के साथ जो है यूजर इंटरफेस को ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर लॉक स्क्रीन यूआई के साथ भी कुछ इस तरह से ऑप्शंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर प्योर ईओएसपी एंड्रॉयड 14 का जो एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा इस रॉम के साथ। तो डेफिनेटली आप जो है Xiaomi Mi 2 डिवाइस के ऊपर इस रॉम को ट्राई करके देख सकते हो। इस रॉम को फ्लैश करने के टाइम जो है पर स्लॉट को स्विच करने की जरूरत नहीं है, जिस भी स्लॉट में इस रॉम को फ्लैश करोगे उसी स्लॉट में इस रॉम को जो है पर बूट करना होगा। एनीवे इस रॉम का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड Mi 2 का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके एंड्रॉयड 14 को स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन वीडियो को चेकआउट करके देखो। एंड गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके GCam 9.1 का जो लेटेस्ट गूगल कैमरा का जो रिव्यू वीडियो है उसे भी आप चेकआउट करके देख सकते हो। बाकी यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है बैटरी बैकअप जो है लगभग 5 आवर के आसपास देखने को मिलेगा। वॉल्टी काम कर जाएगा, वो वाईफाई भी काम कर रहा है, यहाँ पर मोबाइल डाटा वाईफाई भी काम कर जाएगा, ब्लूटूथ भी काम कर रहा है। एंड
बैटरी बैकअप जो है यूजर टू यूजर डिपेंड करता है। बाकी अगर आप इस रॉम को ऑलरेडी यूज कर रहे हो, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप जरूर से कमेंट करके बोल सकते हो। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर सकते हो। चलो बाय बाय।